हेलो स्टूडेंट्स आई एम शिवानी शर्मा योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास के से क्लास ट्वेल्थ प्लस डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो सो क्लास इलेवन स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट थ्री सो so, इस पार्ट थ्री वीडियोस में हम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डील करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि दिस चैप्टर इज हाईली इंपॉर्टेंट अब जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो उतने क्वेश्चन कम हैं इसमें ठीक है चलिए जी सो so, अभी तक पार्ट वन एंड पार्ट टू में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है आई रियली विश कि आप उन वीडियोज को देख चुके हो तो so, आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी जो आपसे कहता है प्रूव करो कि दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये एक्सप्रेशन आपके जीरो के बराबर है आपको ना इस क्वेश्चन में ये बताना है तो हम ये कैसे बताने वाले हैं तो ठीक है भैया आओ थोड़ी मेहनत करते हैं क्या कर सकते हैं अपन एलएचएस को उठाते हैं क्योंकि प्रूव करना है बच्चे तो एलएचएस को उठा लो आरएचएस तक जाने की कोशिश करो सो एलएचएस में हमारे पास है sin 3x plus sin x इनटू में लिखा है यहाँ पे क्या sin x प्लस अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है cos 3x माइनस कॉस एक्स फिर ब्रैकेट के बाहर लिखा है कॉस एक्स ठीक है मैंने बस एक्सप्रेशन को एज इट इज नीचे कॉपी किया है मुझे पता है कि मुझे इसे कैसे भी करके जीरो के बराबर लेकर आना है मैंने कहा ठीक है सुनो यहां पे साइन सी प्लस साइन डी लग सकता है यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लग सकता है ठीक है चलो एक बार इन फॉर्मुलेज को रिकॉल करते हैं सो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है हर बार फॉर्मूलेस लिखने हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला एनी वन साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन सी माइनस डी बाई टू ठीक इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू फिर हमारे पास था कॉस माइनस कॉस टी का फॉर्मूला सो कॉस माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस टू साइन सी प्लस टी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू ठीक है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला ये होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन साइन सी माइनस डी बाई टू इन फॉर्मूलेज को अच्छे तरीके से ना आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इनको कैसे याद करना है ना ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ ठीक है बच्चे चलो आओ फटाक सीधे ये फॉर्मूलेज लगाते हैं अपन मैं कह रही हूँ कि इस वाले अपन साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं और यहां हैं ठीक है चलो सो साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू थ्री एक्स प्लस एक्स बाई डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू तो थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू चेक कर लो फॉर्मूला एक बार टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू ठीक है फॉर्मूला लगा दिया ओके अब ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है साइन एक्स लिखा है ठीक है चलो प्लस सी माइनस कॉस्टी यहां परी बाई टू सो दिस इज थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू ठीक है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू तो इंटू साइन सी माइनस टी बाई टू ठीक है बच्चे और बाहर क्या लिखा है कॉस एक्स लिखा है ठीक है तो यहां पे मेरे पास क्या आया यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है चेक करो आप लोग दिस इज टू साइन थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स बाई टू मतलब टू एक्स यहाँ पे लिखा है कॉस थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स बाई टू यानी कि एक्स ठीक है इतना हो गया ब्रैकेट बंद करो दिस इज साइन एक्स क्लियर है सबको चलो अब इधर देखते हैं नेगेटिव को बाहर रख देते हैं प्लस माइनस इज माइनस ठीक है यहां पे क्या आ रहा है टू साइन थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स बाई टू मतलब two x, sin, क्या लिखा है थ्री एक्स माइनस एक्स मतलब टू एक्स बाई टू यानी कि एक्स और वहां क्या लिखा है कॉस एक्स ठीक है अब इसको भी ब्रैकेट क्या ही बनाना सब मल्टीप्लीकेशन में ही तो है ऐसा नहीं लग रहा आपको दोनों सेम हो गए टू साइन टू एक्स कॉस एक्स साइन एक्स टू साइन टू एक्स कॉजेक्स साइन एक्स येस दे आर एकदम सेम टू सेम और अपोजिट साइन में है इसका मतलब देखो ना टू साइन टू एक्स साइन एक्स कॉजिक्स टू साइन टू एक्स साइन एक्स कॉजिक्स एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है तो ये तो कैंसिल होकर क्या आ रहा है जी ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब एल एच एस को लेके चले थे जस्ट वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला और हमको क्या मिल गया आर एच एस मिल गया सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हैंड्स प्रूट इसके साथ आपका क्वेश्चन थर्टी वन कम्प्लीट हो जाता है ठीक है तो कभी कभी पता है सिर्फ फॉर्मुलेज आपको पता है अभी तक मैंने आपको इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री करा दिया मैं हर बार हर क्वेश्चन में पता है क्या कहती हूँ मेरा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है बस फॉर्मुलेज कंठस्थ कर लो और ए सी टी एस सीख लो अच्छे से बाकी आपका काम ना इतने अच्छे से हो जाएगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा ठीक है आई होप ये क्लियर है ओके अब अगले क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसको आपको जीरो के बराबर लेकर आना है हमने कहा ठीक है एल को उठाते हैं सो एल में क्या है मेरे पास एल में मेरे पास है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस टू पाई बाई थ्री प्लस यहां पे लिखा है साइन ब्रैकेट अल्फा प्लस फोर पाई बाई थ्री ये मैंने उठा लिया ठीक है एल को मैंने पिक कर लिया साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस टू पाई बाई थ्री प्लस साइन अल्फा प्लस फोर पाई बाई थ्री अब मैं ऐसा सोच रही हूँ क्योंकि मुझे इसको किसके बराबर लाना है जीरो के बराबर लाना है मैंने कहा ये साइन अल्फा तो छोटू सा प्यारा सा है इसको परेशान नहीं करते ये जो दो मेरे पास साइन के एक्सप्रेशन हैं राइट इनके एंगल्स बड़े खतरनाक है एक है अल्फा प्लस टू पाई बाई थ्री एक है अल्फा प्लस फोर पाई बाई थ्री मतलब देखा जाए अगर सिर्फ अगर मैं इतना हिस्सा देखूं इस एल में इतना हिस्सा तो यहां पे क्या मैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकती हूँ देखो साइन सी प्लस साइन डी है ना दोनों के एंगल डिफरेंट है राइट तो चलो एक बार फटाक से रिकॉल करते हैं कि साइंसी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता क्या है साइन सी प्लस साइन डी साइंस प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है जी साइंस प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉज सी माइनस टी बाई टू राइट तो हमने कह दिया कि बेटा ये आपका पूरा c है ठीक है और ये आपका पूरा d है so this is sin c plus sin d। चलो, लगाते हैं फॉर्मूला अपन सो दिस इज इक्वल टू यहां पे लिखोगे साइन अल्फा प्लस ब्रैकेट साइन c प्लस साइन d क्या होगा टू साइन c प्लस डी बाई टू तो दिस प्लस दिस by 2, so 2 sine alpha plus 2 pi by 3 plus alpha plus 4 pi by 3 divided by 2. Check करो Sine c plus sine d, 2 sine c plus d by 2, ठीक है into cos c minus d by 2, into cos c minus d by 2. So this is bracket, इसको माइनस करना बेटा इससे सो अल्फा प्लस टू पाई बाई थ्री माइनस अल्फा माइनस फोर पाई बाई थ्री एंड डिवाइडेड बाई क्या है टू है एंड दिस इज द ब्रैकेट मैंने इसमें प्लस प्लस अप्लाई किया इज इक्वल टू माइनस तो पे कुछ इतना मिल गया है अब मैं इधर ही थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाली हूँ पेज पे कर दू मैम नेक्स्ट पेज पे कर दो कैलकुलेशन चलो ठीक है इनको हटाते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं कैलकुलेशन के लिए तो दिस इज इक्वल टू देखते चलना साथ में साइन अल्फा तो चुपचाप बैठा है बड़े प्यार से इसको कोई परेशानी नहीं जिंदगी में यहां पे आ जाओ यहां पे क्या है प्लस टू प्लस दिस इज टू क्या लिखा है साइन ये रहा साइन अब यहां पे देखो बहुत कुछ होने वाला है अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा सो अल्फा प्लस अल्फा इज टू अल्फा प्लस इधर देखो टू पाई प्लस फोर पाई दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना सो टू पाई प्लस फोर पाई

माइनस टू पाई बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू देखा जाए तो ये इसके पास ही आएगा ठीक है कुछ ऐसा बनके और इसको आप कट भी कर सकते हो सो दिस इज टू थ्री सिक्स टू थ्री जिक्स और ये बैठा है चुपचाप से पाई और यहाँ पे किया आपने ब्रैकेट को बंद ठीक है ओके okay? अब सुनो मेरी बात यहाँ पे टू कॉमन लेके इससे कट हो रहा है है ना तो कट कर दो इसको सो दिस इज साइन अल्फाइन प्लस टू मैं इससे कट करने के लिए नहीं कह रही हूं यहाँ पे एंगल से एंगल का टू कट हो रहा है तो आपके पास आ रहा है टू साइन अल्फा दिस इज पाई प्लस अल्फा है ना बच्चे टू कॉमन लेके कट कर दिया और कॉज में अगर नेगेटिव होता है कॉज में अगर कोई एंगल नेगेटिव में होता है तो कॉज क्या करता है उस नेगेटिव एंगल को खा जाता है तो कॉज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा ही होता है इसका मतलब ये नेगेटिव बाहर आएगा ही नहीं ये सिंपल कॉज पाई बाई थ्री ही बनेगा पाई बाई थ्री का मतलब क्या होता है By by का मतलब होता है है की वैल्यू क्या होती सो इस so से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो उड़ा दो इसको यहाँ से ठीक है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही बचता है अब यहाँ तो बच्चा बच्चा जानता है व्हाट इज साइन पाई प्लस अल्फा कोई ट्राई करना चाहता है साइन पाई प्लस अल्फा सी पाई है तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज तो होनी से रही ठीक है यहाँ पे चुपचाप से साइन अल्फा रखा है उसे रखे रहने दो तो, इसको देखो पाई है तो ट्रिग्नोमेट्री तो चेंज होगी नहीं तो साइन का साइन रहेगा एंगल आपका एज इट इज कॉपी होगा अब यहां पे प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा तो हम सब जानते हैं कि बेटा दिस जीरो, दिस इज इज पाई बाई टू, ये रहा पाई सो so, पाई प्लस इस क्वाड्रेंट में गिरता है तो यहां पे टेन एंड कॉट ही पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं इसका मतलब ये क्या होगा नेगेटिव होगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या हो गया जीरो हो गया क्योंकि टू माइनस टू क्या होता है जी जीरो होता है तो शायद हमको इसे जीरो के बराबर ही लाना था एक बार चेक कर लो आप लोग हमको आर एच एस में क्या लेके आना था कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो तो भैया आ गया हम सो हमारा एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया हैंड्स प्रूफ हो गया कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को फिनिश कर लिया ठीक है तो साइन अल्फा चुपचाप से छोटा सा प्यारा सा एंगल था इसको कहा तुम शांति से बैठो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया विच इज टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू सी माइनस डी बाई टू फॉर्मूले को लगाया बहुत सारी कैलकुलेशन अच्छे से करी हमने थोड़ा सा एसीटीएस की हेल्प ले ली वहाँ से खेल लिया कुछ फॉर्मूले से खेल लिया और हमको हमारा आंसर मिल गया ठीक है आई होप इसके साथ ये क्वेश्चन क्लियर है देखो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं पेपर में ठीक है तो जितने भी हो सकते हैं ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब आपको मिल जाएगा इधर अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टी ये कहता है कि बेटा प्रूव कर दो कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू इसके बराबर ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स में आपको प्रूव करना है कि कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू फोर कॉज अल्फा प्लस बीटा बाय टू कॉज बीटा प्लस गामा बाई टू कॉज गामा प्लस अल्फा बाय टू ये क्वेश्चन भी स्कूल वालों का फेवरेट है अक्सर पूछते हैं स्कूल वाले इस क्वेश्चन को तो हमने कहा यार प्रूव करना है तो जिंदगी में समस्या नहीं है एल को उठा लेते हैं हमने एल को, है। को उठा लिया सो so, LHS में क्या लिखा है LHS में लिखा है कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गामा ठीक है बच्चे प्लस कॉज एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ठीक है चार टर्म्स हैं चारों को मैंने उठा लिया अब मुझे इन्हें कैसे भी करके इस तरीके का बनाना है ये तो साफ साफ दिख रहा है कि cos c प्लस कॉस्टी का फॉर्मूला लगने वाला है ठीक है तो एक काम करते हैं हम यहाँ cos c प्लस कॉसडी और इधर भी cos c प्लस कॉस्टी लगा देते हैं ठीक है तो इसको मैं ऐसा ग्रुप बना लेती हूँ कि भैया सबसे पहले ना मैं इसमें लगाऊंगी फॉर्मूला और उसके बाद फिर मैं इसमें लगाने जा रही हूँ फॉर्मूला मैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ एक बार आप लोगों के लिए लिख देती हूँ यहाँ पे हम सब जानते हैं बचपन से ही है ना कि कॉस्सी प्लस कॉस्टी क्या होता है बेटा कॉस्सी प्लस कॉस्डी का फॉर्मूला क्या होता है टू कॉस सी प्लस टी बाई टू इन टू कॉस सी माइनस टी बाई टू अगर मैं इतनी बार इन फॉर्मुलेज को लिख रही हूं ना तो बेटा आपको भी लिखना है क्योंकि फॉर्मुलेज को जब तक लिखोगे ना तो पता है एक पल ऐसा आएगा कि आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है आपका आपने जैसे इस फॉर्मूले को देखा कॉस्सी प्लस कॉस डी आपका हाथ खुद ही सही फॉर्मुला लिखकर आ जाएगा ठीक है तो इतनी बात जब भी फॉर्मूले लग रहे हैं हमेशा साइड में लिखा करो कि क्या था फॉर्मुला बेसिकली so, सो प्लस क्या है टू कॉस इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू ठीक है चलो तो यहां पे लगाते हैं पहले इस फॉर्मूले को फिर यहां लगाते हैं तो इस केस में ये मेरा सी है और ये मेरा डी है तो क्या बनेगा ये ये बनेगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एल्फा प्लस बीटा बाई टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू ठीक है थोड़ा नीचे से लिखते हैं दिस इज इक्वल टू टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू ठीक है इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू चेक कर लो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू सो टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू इसमें लगा दिया मैंने ये फॉर्मूला ठीक है अब बीच में प्लस का साइन है प्लस का साइन बनाओ अब यहां पे लगाने जा रहे हैं सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अब इस केस में सी और डी बड़े ध्यान से देखना ये सी है और ये पूरा डी है ठीक है so, सो सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला सो so, कॉस्सी प्लस कॉस्डी का फॉर्मूला क्या होगा बहुत ध्यान से C D टू कॉस सी प्लस डी बाई टू प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई टू इन टू कॉस C minus टी by 2, सो गामा minus अल्फा minus बीटा minus गामा by 2, ठीक है बच्चे और ये ब्रैकेट चलो चाहो तो बंद कर लो ठीक है क्लियर है ये फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं इधर इसमें काफ़ी अच्छा सिंप्लीफिकेशन होगा गामा प्लस गामा क्या हो जाएगा जी गामा प्लस गामा इज टू गामा सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा ठीक है क्लियर है सबको इधर क्या होगा गामा माइनस गामा उड़ गए यहां से नेगेटिव का साइन कॉमन ले लो सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा और ये इस तरीके से बंद है ठीक है क्लियर है सबको अब बच्चा बच्चा जानता है कि व्हाट इज कॉस माइनस थीटा बेटा कॉज माइनस थीटा क्या होता है कॉज अपना नेगेटिव एंगल नेगेटिव का जो साइन है वो बाहर देता ही नहीं है सो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा सो कॉस माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई टू विल बी कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई टू मतलब ये नेगेटिव का साइन जो है ये ऐसे ही उड़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला तो मेरे पास यहाँ पे कुल मिला के क्या ही आया दिस इज कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू ठीक है कोई डाउट तो नहीं है किसी को दिस इज कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई टू इस तरीके से हमने इसमें काम किया ऑल गुड ठीक है कोई दिक्कत सब सही है ना अब सुनो जरा ये ब्रैकेट लगाने का अब कोई मतलब नहीं है इनको उड़ा दो कितने टर्म्स हैं मेरे पास इस एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हैं एक टर्म है मेरे पास ये और एक टर्म है मेरे पास ये ठीक है अब इन दोनों टर्म्स में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं आप देखिए वहाँ पे टू कॉज एल्फा प्लस बीटा बाई टू यहाँ पे भी टू कॉज एल्फा प्लस बीटा बाई टू है तो इन दोनों में से मैं ये कॉमन ले लूँ ठीक है तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं टू कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई टू सो टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू हमने ले लिया कॉमन एंड दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट टू कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई टू टू कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई टू बाहर आ गया अब इन दोनों को साथ में लिख दो आप सो दिस इज कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू ठीक है चेक करो ये और ये बाहर ले लिया तो ये और ये बचता है मेरे पास सो कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस कॉस प्लस कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा बाई टू चेक कर लो बेटा चेक कर लो चेक कर लो चेक कर, कर लो जल्दी से टू कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉमन बाहर आ गया सो दिस इज कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई टू एंड दिस इज कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा बाई टू सब ठीक है ठीक है अब अगेन यहाँ पे कॉज सी प्लस कॉस डी का फॉर्मला लगेगा ठीक है अगेन आप क्या करोगे देखो ये तो शांति से बैठा रहेगा अब इसका मैं क्या करूँ मुझे लेकर क्या आना है मुझे लेकर आना है कुछ ऐसा सब कुछ इन टू में आए मैंने कहा ठीक है टू कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई टू आ गया है अब इसमें हमको फिर फॉर्मुला लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कॉस सी है और वो कॉस डी का रोल प्ले कर रहा है ये पूरा सी का रोल प्ले कर रहा है और ये पूरा डी का रोल प्ले कर रहा है चलो फटाख सीधे लगाते हैं फॉर्मूला अपन सो दिस इज इक्वल टू टू कॉस ये तो शांति से बैठा है इसको तो कोई दिक्कत नहीं है टू कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई टू यहाँ पे बनाया हमने स्क्वायर ब्रैकेट कॉस सी प्लस कॉस डी कॉ सी प्लस कॉस डी क्या होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू सो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू तो देखेंगे आप लोग हाँ अल्फा माइनस बीटा सी प्लस डी सी प्लस डी अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा अपॉन टू ठीक है बेटा जी चेक कर लो एक बार ठीक है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू तो दिस इज सी दिस इज डी इनके बीच में प्लस डिवाइडेड बाई टू इन टू कॉस c माइनस टी बाई टू तो ये रहा ब्रैकेट c क्या है अल्फा माइनस बीटा बाई टू सी माइनस डी अब इन सबके साइन बदल जाएंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस टू गामा यार टू तो दोनों के पास है तो साथ में ऐसा ही लिख दो ना आप ठीक है इधर भी क्यों हम दो 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 बार ऐसे अलग अलग लिखे हैं दोनों के पास सेम ही है तो टू बाई टू ठीक है सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू ठीक है क्लियर है ओके जी फाइन ओके okay. अब क्या होगा ये बन जाएगा क्या फोर ये भी बन जाएगा फोर ठीक है अब यहां से जो जा रहे हैं उनको जाने दो जैसे इसमें आप देख सकते हो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा हो जाएगा तो यहां हम लिखेंगे ये तो चुपचाप से बैठा हुआ है टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू ठीक है ब्रैकेट ये आएगा टू कॉस यहां पे देखिए अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा चला गया प्लस टू गामा डिवाइडेड बाय चार ठीक है इधर देखो आप लोग इधर क्या हो रहा है दिस इज कॉस अल्फा अल्फा चले गए माइनस बीटा माइनस बीटा माइनस टू बीटा माइनस टू गामा डिवाइडेड बाय चार और ये आपने कर लिया ब्रैकेट को बंद ठीक है बेटा ऑल गुड फाइन अब आप क्या देख सकते हो कि यार यहां से तो मैं टू को कॉमन ले सकती हूं है ना और ये टू टू सा फोर हो गया ये कुछ ऐसा बन गया ठीक है जी यहां से ना मैं माइनस टू कॉमन लूंगी यहां से माइनस टू कॉमन लिया एंड दिस इज बीटा प्लस ठीक है तो ये क्या बन जाएगा ये टू बन जाएगा ये यहां से चला गया अब अगेन हम सब जानते हैं कि कॉज थीटा, थीटा तो ये नेगेटिव का भी कोई मतलब नहीं रहा ये ऐसा बन गया ठीक है सब ठीक है यहां तक ओके अब अब आप देखो ये टू सब ये सब इंटू में है तो ये टू टूजा क्या हो जाएगा फोर तो टू तू टूजा बेटा फोर हो गया ये टू इंटू टू फोर यहां पे लिखा है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू यहां पे लिखा है कॉस अल्फा प्लस कामा बाई टू यहां पे लिखा है कॉस बीटा प्लस कामा बाई टू चेक क्या है इंटू कॉज गा प्लस अल्फा बाई टू गामा प्लस अल्फा बाई टू और ये हमारा आर एच एस है और हमको यही लेकर आना था ये पेपर ये पेपर में आता है सवाल थोड़ा तो सा ऐसा लगेगा लेंदी है देखो करोगे तो ना आप लोग या तो फॉर्मुले में मिस्टेक कर दोगे इस क्वेश्चन में या तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे बाकी इसमें गलती ऐसा करने का कुछ है ही नहीं और साफ साफ क्वेश्चन खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया कॉज अल्फा प्लस में फॉर्मूला लगा दो एंड कॉज गामा प्लस कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में फार्मूला लगा दो फॉर्मुलेज लगाने हैं कॉमन लेना है फिर दोबारा फार्मूला लगाना है सेम ही फॉर्मूला लगाना है ऐसा नहीं अलग अलग फार्मूला लगाना है सेम ही कॉस प्लस कॉज डी वाला फॉर्मूला लगाना है आपको और एक छोटा सा आइडेंटिटी है कि भैया कॉज माइनस टीटा cos थीटा होता है ये आपको याद रखना है तो बस हो गया कैलकुलेशन करते-करते आंसर स्क्रीनशॉट लो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है जैसे आज का वीडियो कंप्लीट होना ये वाला क्वेश्चन अपने आप को टेस्ट देना और देखना आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं इंपॉर्टेंट है ये सवाल ठीक है चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 सो so क्वेश्चन 34 की तरफ आ जाओ प्रूव करना है आपको साइन ए प्लस साइन थ्री ए प्लस साइन फाइव ए प्लस साइन सेवन ए डिवाइडेड बाई कॉज ए प्लस ए इज इक्वल टू टेन फोर ए है आपको क्या प्रूव करना है कि 10 मैंने कहा ठीक है एल को उठाते हैं अपन ठीक है और फॉर्मुले इसको बस याद रखते हैं सो एल में क्या लिखा है उठा लो उसको एल में लिखा है साइन ए प्लस साइन थ्री ए प्लस साइन फाइव ए प्लस साइन सेवन ए ठीक है डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय में क्या है कॉज ए प्लस कॉस थ्री ए प्लस कॉस फाइव ए प्लस कॉस सेवन ए ठीक है बच्चे हमने एल को उठा लिया हमको उसे क्या बनाना है टेन फोर ए बनाना है आपने कहा ठीक है अब कितने टर्म्स देख रहे हो न्यूमिनेटर में एक दो तीन चार चार टर्म्स न्यूमिनेटर में है और चार टर्म्स आपके डिनोमिनेटर में है ये तो हंड्रेड परसेंट श्योर है कि साइनस सी प्लस साइन डी ऊपर लगने वाला है ठीक है वो भी दो बार लगेगा फॉर्मुला साइन सी प्लस साइन डी का और डिनोमिनेटर में बेटा कॉस्ट सी प्लस कॉस्टी का फॉर्मूला लगेगा वो भी दो बार लगेगा एक बार मैं आप लोगों के लिए इस फॉर्मूले को ना लिख भी देती हूँ कि वॉट इज साइन सी प्लस साइन डी एंड वॉट इज कॉस सी प्लस कॉस्डी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बहुत प्यार से सुनना साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन सी प्लस टी बाई टू इन टू कॉस सी माइनस टी बाई टू ठीक है और एक फॉर्मूला जो यहां यूज होगा दैट इज कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है टू कॉस सी प्लस टी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू ठीक है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू एंड सी प्लस क्या है फॉर्मूला ऊपर भी लगना है नीचे भी लगना है और दो दो बार लगना है ठीक है ओके अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ग्रुपिंग आपको ग्रुप अच्छा बनाना है ठीक है अगर आपका ग्रुप अच्छा है ना तो आप बड़े खुश हो जाओगे यहाँ पे ठीक है कैसे भैया देखो तो साइंस प्लस साइन डी देखो ग्रुपिंग सोचना है आपको अगर आपने इसमें साइन सी प्लस साइन डी ले लिया ठीक है तो क्या आपको कोई फ़ायदा मिलेगा आपको अपने प्रॉफिट के हिसाब से काम करना है ठीक है आप मुझे बताओ मैंने कहा देखो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला तो अब तक हमें याद हो गया है फॉर्मूला लगाना बड़ी बात नहीं है फॉर्मूला सही जगह लगाना बड़ी बात है आप क्या यहाँ पर साइंस प्लस साइन डी लगाओगे या कुछ ग्रुपिंग बनाओगे अच्छे से तो मैंने कहा सुनो यार समस्या क्या है अगर मैंने यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी बना दिया अगर फॉर्मूला तो क्या समस्या हो जाएगी मुझे मिलेगा टू साइन फोर ए बाई टू इन टू कॉज ए माइनस थ्री ए मतलब टू ए बाई टू कुछ ऐसा मिलेगा है ना साइन टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉज सी माइनस डी बाई टू ए माइनस थ्री ए माइनस टू ए माइनस टू ए बाई टू अब कॉस को नेगेटिव से फर्क पड़ता ही नहीं है तो आपको बेटा न्यूमिरेटर में मिलेगा टू साइन टू ए एंड साथ में कॉज ए पर ऐसा करने से हमें कोई फायदा है क्या हम चाहते क्या है हम चाहते हैं कि यार हमको ना टेन फोर ए मिले तो बच्चा टेन फोर ए कैसे बना होगा साइन फोर ए डिवाइडेड बाय cos फोर ए करके मतलब मेरा लक्ष्य है यहाँ पे कि मैं न्यूमिरेटर में साइन फोर ए देखू एंड डिनोमिनेटर में cos फोर ए देखू अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ग्रुप बना के भैया तुम दोनों में लगा देती हूँ फॉर्मूला फिर तुम दोनों में लगा देती हूँ फॉर्मूला उससे मुझे फायदा कुछ नहीं होगा मुझे देखना होगा भैया किस जगह फॉर्मूला लगाना है किन दो साइन में मुझे फॉर्मूला लगाना है अगर मैं ऐसे साइन या साइन साँग थ्री में लगाऊँ मेरे लिए कुछ भी मतलब का नहीं है यहाँ पे तो मैंने कहा ठीक है कोई समस्या नहीं है चार टर्म से अपने हिसाब से देख लेते हैं अपन ऐसे दो की ग्रुप बना देते हैं जिसमें हमको साइन फोर है मिल जाए आफ्टर अपलाइंग द फॉर्मूला मैंने कहा ठीक है ऑल गुड तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन में काम करो, आप साइन ए को साइन सेवन ए के साथ लिख लो ठीक है बेटा क्योंकि यहां जब फॉर्मूला लगाओगे ना तो आपको साइन फोर ए मिलेगा इसी तरीके से आप साइन थ्री ए को साइन फाइव ए के पास लिख लो क्योंकि यहां पे जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो अगेन ए प्लस बी बाई टू एट बाई टू मतलब फोर आपको इधर भी फोर मिलेगा ठीक है तो आपने ग्रुपिंग कर ली राइट डिवाइडेड बाई सेम कहानी डिनोमिनेटर में होगा सेम ही तो एंगल है तो इधर भी आप क्या करेंगे कॉज ए का ग्रुप बनाएंगे कॉज सेवन ए के साथ ठीक है कॉज ए का ग्रुप किसके साथ बनाया कॉज सेवन ए के साथ प्लस कॉस थ्री ए का ग्रुप बनाएंगे आप कॉस फाइव ए के साथ ठीक है बच्चे अब यहाँ पे लगा दो साइन सी प्लस साइन डी साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लग जाएगा इधर भी साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस सी प्लस कॉस डी ठीक है चलो लगाते हैं फॉर्मूला तो आपको क्या मिलेगा साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू साइन ए प्लस सेवन ए बाई टू इंटू कॉस ए माइनस सेवन ए बाई टू प्लस ठीक है बेटा

अब आगे चलते हैं फॉर्मूला लगाने डिवाइडेड बाय हाँ ये डिवाइडेड बाय उड़ गया मेरा थोड़ा सा ये सारी चीजें ऊपर दिख तो रहा है ना आपको चलो हटाओ ठीक है दिस इज टू साइन थ्री ए फिर से लिख देती हूँ एक बार टू साइन थ्री ए प्लस फाइव ए बाय टू इंटू कॉस थ्री ए माइनस फाइव ए टू ठीक है बेटा न्यूमिरेटर में फॉर्मूला लगा दिया अब डिनोमिनेटर में लगाते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला वेरी सिंपल टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू सो यहाँ पे बनेगा ये टू कॉस ए प्लस सेवन ए बाई टू इंटू कॉस ए माइनस सेवन ए बाई टू प्लस टू कॉस थ्री ए प्लस फाइव ए बाई टू इंटू कॉस इंटू कॉस थ्री ए माइनस फाइव ए बाई टू चेक कर लो कॉस्सी प्लस कॉस्टिटी कॉस्सी प्लस सेवन ए बाई टू टू कॉस ए प्लस ए बाई टू कॉ एस सेवन ए बाई टू सिमिलरलीसा प्लस फाइव ए बाई टू इंटू कॉस थ्री ए माइनस फाइव ए बाई टू तो आपको क्या मिलेगा देखो, ये बन जाएगा टू साइन ए प्लस सेवन एट ए बाई टू दैट इज इक्वल टू फोर ए दिस इज कॉस

माइनस ए मिलता है एंड माइनस ए तो ए ही होता है ठीक है कॉज के टर्म्स में चलो पूरा लिख देती हूं थ्री ए माइनस फाइव ए माइनस टू ए अपॉन टू एंड इज इक्वल टू बेटा ए ऑल गुड ठीक है का काम हो गया डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या लिखा है टू cos ए प्लस सेवन ए बाई टू मतलब फोर ए इन टू कॉज ए माइनस सेवन ए माइनस सिक्स ए बाई टू माइनस सिक्स ए बाई टू माइनस थ्री ए प्लस टू कॉस थ्री ए प्लस जानता है cos theta, cos theta. तो बेटा, cos क्या होगा जी कॉस थ्री ए ही होगा ठीक है ये नेगेटिव खा जाता है कॉज कॉस माइनस ए ए ही होगा कॉस माइनस ए कॉस ए ही होगा ठीक है अब देखो यहां से टू 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 कॉमन लेके आपने कट कर दिए ऊपर से भी टू कॉमन लिया इधर से भी टू कॉमन लिया कट हो गया साइन फोर ए साइन फोर एस फोर बेटा फोर ए में से sin को बाहर ले लो तो न्यूमिरेटर में क्या बचेगा कॉस थ्री ए प्लस चेक करो एक बार न्यूमिरेटर में यही बचेगा साइन फोर ए कॉमन ले लिया सोस थ्री ए प्लस कॉल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बेटा कॉस फोर ए दोनों के पास है सो so, आप कॉस फोर ए को ले लो बाहर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास दिस इज कॉस थ्री ए प्लस कॉस ए आपने कॉमन ले लिया न्यूमिनेटर से साइन फोर ए कॉमन लिया डिनोमिनेटर से कॉस फोर ए कॉमन लिया अब ये वाला ब्रैकेट तो यार बिल्कुल सेम टू सेम हो गया चेक करो कॉस्ट थ्री ए प्लस कॉज ए कॉस्ट थ्री ए प्लस कॉज ए बिल्कुल सेम टू सेम हो गया तो ये कैंसिल आउट और यहाँ पे क्या बचा साइन फोर ए अपॉन कॉस्ट फोर ए एंड दैट इज इक्वल टू टेन फोर ए और हमको यही लेके आना था दिस इज इक्वल टू आर एच एस तो एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया हैंड्स प्रूव हो गया ठीक है सो दैट्स इट इतना सा क्वेश्चन था बस यहाँ पे जो मेन चीज थी ना दैट इज़ फॉर्मूला एंड साथ में ग्रुपिंग तो कभी कभी ऐसा नहीं होता ना कि क्वेश्चन सामने आए और बस हमने पेन उठा के धार 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 शुरू कर दिया सॉल्व करना नहीं एक बार चेक कर लो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करने बैठती ना तो पता है क्या होता है देखो पेपर में ना बहुत प्रेशर हो जाता है क्योंकि डेफिनेटली आप मानो या ना मानो आप कितना भी पढ़ लो ना दो से तीन क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है तो उन क्वेश्चन को देख के ना फिर आपको थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और ऊपर से फिर ऐसे क्वेश्चन में हम गलतियाँ कर देते हैं तो आपको ना एकदम रिलैक्स माइंड से सोचना है बैठ के कि यार फॉर्मूला तो लगेगा डेफिनेटली ऊपर साइनसी प्लस साइनडी नीचे क्वस्टी प्लस क्वास्टी लगेगा लेकिन कैसे ग्रुप में लगेगा वो आपको पहले सोच लेना है और ये कैसे पता चलेगा कि जाना कहाँ तक है क्या लेकर आना है राइट तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल भी है स्क्रीन ले लो ठीक है चलो साथ में सॉल्व करते जा रहे हो तो और भी अच्छी बातें चलते हैं अगले सवाल की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में भी आपको प्रूव करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कॉट सिक्स ए कॉट फाइव ए के बराबर है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम उठा लेंगे इस एल एच एस को और फिर देखेंगे कि आखिरकार इसमें किस टाइप के टर्म्स लिखे हुए हैं तो मेरे पास लिखा है कॉस टू ए यहां पे है कॉस थ्री ए माइनस कॉस टू ए कॉस सेवन ए प्लस कॉस ए कॉस टेन ए ठीक है जी क्लियर है चेक कर लो कॉस टू ए कॉस थ्री ए माइनस कॉस टू ए कॉस सेवन ए कॉज ए कॉस टेन ए डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय क्या है अपने पास साइन फोर ए साइन थ्री ए माइनस साइन टू ए साइन फाइव ए प्लस साइन फोर ए साइन सेवन ए ठीक है लिख लो एक बार क्या लिखा साइन फोर ए साइन थ्री ए माइनस साइन टू ए साइन फाइव ए प्लस साइन फोर ए साइन सेवन ए ठीक है तो ये मेरा एल एच एस है और मुझे इसे क्या बनाना है मुझे इसको बनाना है कॉट सिक्स ए कॉट फाइव ए के बराबर मैंने कहा करना क्या चाहिए अगर ध्यान से देखा जाए ना तो न्यूमिनेटर में कॉज के प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में साइन के प्रोडक्ट है इसका मतलब डेफिनेटली टू कॉजे कॉज भी न्यूमिरेटर में लगेगा वो भी तीन बार ठीक है और डिनोमिनेटर में टू साइने साइन भी लगने वाला है वो भी तीन बार कुल मिला के स्टेप नंबर वन ये होने वाली है कि मुझे न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है तो टू से मल्टीप्लाई करूंगी मैं देखो ऐसा न्यूमिरेटर में भी टू से मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में भी टू से मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से मुझे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दो से मल्टीप्लाई डिवाइड मारना है इससे मेरा इक्वेशन बैलेंस भी रहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सब ठीक रह जाएगा लेकिन इससे मुझे फ़ायदा मिल जाएगा वो जो टू है ना अब उस टू का मल्टीप्लीकेशन भैया इन तीनों टर्म से होने वाला है ठीक है मतलब जो ये टू है वो इस एक्सप्रेशन का भी है, भी है इसका भी है इसका भी है और ये जो टू है वो इसका भी है इसका भी है और इसका भी है तभी तो ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई किया ठीक है ब्रैकेट भी बना दिया इसका मतलब जो नेक्स्ट स्टेप हमारी आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी टू कॉस टू ए कॉस थ्री ए आपको पता है टू से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया क्योंकि मुझे न्यूमिनेटर में टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बनाना है और डिनोमिनेटर में टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनाना है ठीक है सो दिस इज टू कॉस टू ए कॉस थ्री ए माइनस टू कॉस टू ए कॉस सेवन ए प्लस टू कॉस ए कॉस टेन ए मेरा न्यूमिनेटर हो गया ठीक है डिवाइडेड बाय अब आप डिनोमिनेटर को देखेंगे डिनोमिनेटर में भी टू का मल्टीप्लीकेशन इन तीनों टर्म से हो जाएगा सो दिस इज टू साइन फोर ए साइन थ्री ए माइनस टू साइन टू ए साइन फाइव ए प्लस टू साइन फोर ए साइन सेवन ए ठीक है हमने क्या किया अभी हमने सिर्फ अपने एल को उठाया देखा हम समझ गए थे न्यूमिनेटर में कॉजे कॉज भी है डिनोमिनेटर में साइने साइन भी है लेकिन फॉर्मूलिया बनाने के लिए टू होना ज़रूरी है तो हमने ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बैलेंस भी है इक्वेशन अब ये टू भैया इन तीनों टर्म्स का है और ये टू भी भैया इन तीनों टर्म्स का है तो न्यूमिनेटर में टू का मल्टीप्लीकेशन तीनों टर्म से कर दिया डिनोमिनेटर में टू का मल्टीप्लीकेशन तीनों टर्म से कर दिया ठीक है क्लियर है सबको तो हम लोगों ने क्या किया ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इस तरीके की एक्सप्रेशन बना ली अब यहां पे लगेंगे फॉर्मुल टू कॉजे कॉस बी का और टू साइन एसाइन बी का तो एक बार चलो फटाक सीधे रिकॉल कर लेते हैं कि टू कॉजे कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है सो टू कॉज ए कॉज बी क्या होता है टू कॉजे कॉज बी कोई ट्राई करना चाहेगा टू a cos बी का फॉर्मूला टू a cos बी होता है कॉज ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या मैं सही लिख रही हूं टू a cos बी का फॉर्मूला कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी ठीक है इसे ओपन करोगे उसे ओपन करोगे यहाँ पे माइनस वहां पे प्लस बिल्कुल सही है दोनों को प्लस कर दो और टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन ए साइन बी ये भी हमको इन कॉज वाले फॉर्मूले से ही मिलता है लेकिन कैसे कॉज ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में से कॉज ए प्लस बी वाले फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट करके हमको टू साइनस आइन बी मिलता है तो यहां पे मैंने टू कॉजे कॉस बी एंड टू साइनस आइन बी का फॉर्मूला बना दिया है अब ये फॉर्मूला मुझे अपने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में लगाना है ठीक है बहुत ध्यान से देखते चलेंगे सबसे पहले टू कॉजे कॉस बी का फॉर्मूला यहां लगा रही हूँ तो ये बनेगा दिस इज इक्वल टू कॉज टू कॉजे कॉस बी कॉज ए प्लस बी सो टू ए प्लस थ्री ए कितना होगा बेटा ए प्लस ए माइनस बी सो टू ए माइनस थ्री होगा माइनस ए ठीक है पे फॉर्मूला लगा दिया टू कॉजे कॉस बी का सो दिस इज कॉज ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी सो कॉज फाइव ए प्लस कॉज माइनस ए चेक कर लो ठीक है राइट ओके फिर बीच में यहां पे सब्ट्रैक्शन का साइन है ओके okay जी सब्ट्रैक्शन का साइन है एक ब्रैकेट बना लेते हैं अगेन टू कॉज ए कॉज बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे क्या होता है कॉज ए प्लस बी सो कॉज टू ए प्लस सेवन ए मतलब कॉज नाइन ए प्लस कॉज टू ए माइनस सेवन ए क्या होगा कॉज टू ए माइनस सेवन ए दो में से सात गया इज पांच ठीक है सो कॉज फाइव ए नेगेटिव का फाइव क्लियर है सबको ठीक है, टू कॉजे cos बी का फॉर्मुला यहाँ पे लगाया कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी ठीक है अब वहां पे लगाते हैं टू कॉजे कॉस बी का फॉर्मूला सो कॉज ए प्लस बी मतलब माइनस नाइन ए चेक कर लो एक बार आप लोग पटाख सीधे टू कॉजे cos बी का फॉर्मूला कॉज ए प्लस बी ए प्लस टेन ए इलेवन ए प्लस कॉज ए माइनस बी ए माइनस टेन ए माइनस नाइन ए सब ठीक है परफेक्ट है ओके okay. अब मेरा ये डिवीजन का साइन थोड़ा उड़ता हुआ सा जाएगा तो प्लीज आप उसे माइंड मत करना ठीक है दिस इज कॉस इलेवन ए प्लस कॉस माइनस नाइन ए ठीक है बेटा न्योमिनेटर का खेल खत्म अब चलते हैं डिनोमिनेटर पे। टू साइन ए साइन बी टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉज ए माइनस बी सो कॉज फोर ए माइनस थ्री ए ठीक है ए होगा माइनस कॉज ए प्लस बी ए प्लस थ्री ए सेवन ए विश्वास रखते चलो और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो ठीक है फिर क्या है माइनस है, टू साइन एस साइन ठीक है नेगेटिव है तो भैया ब्रैकेट बना लेंगे क्योंकि नेगेटिव हालात बदल देते हैं ठीक है यहां पे टू साइन टू ए साइन फाइव ए तो क्या होगा ये कॉस टू ए माइनस फाइव ए तो कॉस माइनस थ्री ए माइनस कॉस टू ए प्लस फाइव ए सेवन ए सो दिस इज कॉस सेवन ए ठीक है बच्चे फिर प्लस का निशान है प्लस का निशान बना दो सो दिस इज प्लस अगेन सेम फॉर्मूला हमको लगाना है कॉज ए माइनस बी तो यहां पे लिखा है कॉज फोर ए माइनस सेवन ए माइनस थ्री ए सो दिस इज कॉज माइनस थ्री ए माइनस कॉज ए प्लस बी फोर ए प्लस सेवन ए ग्यारह ए सो दिस इज इक्वल टू कॉज ग्यारह ए चेक कर लो एक बार चेक कर लो सब ठीक है अब कॉज की एक खासियत है क्या कि भैया नेगेटिविटी भी जिंदगी में आ जाए ना हम तो पॉजिटिव रहेंगे राइट तो बेचारे कॉज के पास नेगेटिव आ गया था कॉज ने कहा उड़ा दो ऐसे लाइफ में कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए ना ये उड़ा देना चाहिए कॉज की तरह बनो तो कॉज ने क्या किया भैया इस नेगेटिव को उड़ा दिया वो नेगेटिव को खा जाता है सो दिस इज कॉज ही ठीक है इसी तरीके से यहाँ पे भी ये नेगेटिव उड़ जाएगा क्योंकि कॉज की प्रॉपर्टी है कॉज की ऐसी खासियत है राइट right. सिमिलरली इधर भी नेगेटिव साइन उड़ जाएगा सो दिस इज़ कॉस थ्री ए अगैन नेगेटिव चला जाएगा सिंपल कॉज नाइन ए बनेगा और ये नेगेटिव भी चला जाएगा ये सिंपल कॉज थ्री ए बनेगा क्योंकि कॉज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ठीक है ओके अब एक काम करते हैं ये ब्रैकेट भी ओपन करते हैं ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पे ये भी नेगेटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पे अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कट हो रहा होगा ठीक है इतनी मेहनत ऐसी थोड़ी ना की है कुछ ना कुछ तो कट हो रहा होगा देखो बेटा माइनस कॉस फाइफ ए प्लस कॉस फाइव ए जा रहा है ठीक है डिनोमिनेटर में कौन कौन जा रहा है डिनोमिनेटर में देखो आप दिस इज माइनस कॉस सेवन ए प्लस कॉस सेवन ए जा रहा है माइनस कॉस थ्री ए प्लस कॉस थ्री ए जा रहा है तो हमारे पास बचा क्या हमारे पास न्यूमिनेटर में बचता है कॉज ए प्लस कॉज इलेवन ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है? हमारे पास कॉज ए माइनस कॉस इलेवन ए बचा है लेकर क्या आना है कॉट सिक्स ए कॉट फाइव ए ठीक है इतना कर लिया काम न्यूमिनेटर में कॉज ए प्लस कॉज इलेवन ए डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉज ए माइनस कॉज इलेवन ए बचा मतलब न्यूमिनेटर में बेटा कॉज सी प्लस कॉज डी लगाना है और डिनोमिनेटर में कॉस् सी माइनस कॉस डी लगाना है चलो एक बार इसके फॉर्मूले को अपन सोचते हैं ठीक है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट सी प्लस कॉस्टी कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला सो कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस टी बाई टू इन टू कॉस सी माइनस टी बाई टू ठीक है ऑल गुड राइट इसके बाद नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या है डिनोमिनेटर में कॉस सी माइनस कॉस डी था तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है माइनस टू साइन सी प्लस टी बाई टू इंटू साइन सी माइनस टी बाई टू ये कॉस की जिद होती है या तो दोनों कॉज आएंगे तो दोनों साइन आएंगे पॉजिटिव में तो कॉज आ जाएगा नेगेटिव में है तो साइन आ जाएगा साथ में एक नेगेटिव का साइन हम आपको फ्री में देंगे ठीक है सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉसि एंड कॉसि माइनस कॉस्टी अब बस इस फॉर्मूले को ना हमको लगा देना है अपने इस प्रीवियस वाले एक्सप्रेशन में सो कॉज ए प्लस कॉज इलेवन ए क्या बनेगा चलो यही पे सॉल्व करते हैं कॉज ए प्लस कॉज इलेवन ए बनेगा टू कॉज ए प्लस इलेवन ए बाई टू मतलब ट्वेल्व ए बाई टू मतलब सिक्स ठीक टू कॉस ए माइनस इलेवन ए बाई टू सो ए माइनस इलेवन ए माइनस टेन ए बाई टू माइनस टेन ए बाई टू मतलब माइनस फाइव ए और कॉस क्या करता है जी नेगेटिव एंगल को खा जाता है तो आपके पास क्या ही आएगा कॉस फाइव ए ही आएगा ठीक है डिवाइडेड बाय कॉस सी माइनस कॉस टी का फॉर्मूला दिस इज माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू सो ए प्लस इलेवन ए बाई टू मतलब 6 क्योंकि बारह छ एन टू साइन ए माइनस इलेवन एस ए सो यहाँ पे माइनस फाइव ए अब साइन क्या करता है भैया नेगेटिव को नहीं खा पाता साइन कहता है नेगेटिविटी बाहर फेंक दो ठीक तो so, है तो ये नेगेटिविटी बाहर फेंक देगा सो ये जो नेगेटिव का साइन है ये आ जाएगा यहां पर तो यह बन जाएगा प्लस सो दिस इज sin 5a इससे हमारा कुछ मतलब हल हो रहा है क्या बिल्कुल 2 से 2 जा रहा है सब मल्टीप्लिकेशन में है cos 6a डिवाइडेड बाय sin 6a क्या होगा जी cot 6a होगा cos 5a डिवाइडेड बाय sin 5a क्या होगा जी cot 5a होगा एंड दिस इज इक्वल टू rhs ये आपका राइट हैंड साइड है एक बार जरा देख लो यही प्रूव करना था क्या हमको cot 6a cot 5a कॉट सिक्स ए कॉट फाइव ए ये हैंड्स प्रूफ फॉर्मुलेस का खेल है फॉर्मुलेस का खेल है बाकी सब बहुत आसान है ठीक है बस फॉर्मूले ज्यादा ना आपका दिमाग खुद ही कहेगा अरे सुनो तो भाई टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड फार्मूले को लगाओ और फॉर्मूले को लगाओ जो कट हो रहा है उसे कट कर दो फिर से लगा दो फार्मूला काम खत्म ठीक है क्लियर विद दिस क्वेश्चन कोई समस्या तो नहीं है स्क्रीन लेंगे और आज आप फिर से जितने भी फॉर्मुलेज आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं उन सभी फॉर्मुलेज को एक बार फिर से लिखोगे आज का आपका होमवर्क ये है। 35 के चलते हैं अगले सवाल पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन कहता है कि प्रूव करो sin 2x डिवाइडेड टू टेन एक्स के बराबर है मैंने कहा ठीक है एल को उठाते हैं एल में मेरे पास क्या लिखा है साइन 2x एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस टू बेटा साइन टू एक्स वन प्लस कॉस टू एक्स लेके आना है टेन एक्स ऐसा नहीं लग रहा हमारे पास साइन टू एक्स के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं कोई बताएगा साइन टू एक्स का फॉर्मूला टू साइन एक्स कॉजेक्स वेरी गुड तो साइन टू एक्स की जगह पे आप लोग टू साइन एक्स कॉजेक्स लिख सकते हो जो भी एंगल यहाँ है उसका हाफ यहाँ आ जाता है ठीक है इसी तरीके से जब मैंने आपको फॉर्मूलेज याद कराए थे तो ये वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला भी याद कराया था वन प्लस टू कॉजिक्स क्या होता है बेटा कॉज टू कॉज स्क्वेयर एक्स होता है वॉट इज वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्र थीटा सो वन प्लस कॉस टू एक्स क्या होगा टू कॉस स्क्र एक्स होगा ठीक है टू कॉस स्क्र एक्स जो भी एंगल है उसका हाफ आ जाता है वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉसक्र थीटा वन प्लस कॉस टू एक्स टू कॉस स्क्वेयर एक्स इस तरीके से ये बन गया इससे क्या हो रहा है आप देख रहे हो बेटा टू से टू जा रहा है एक कॉस से एक कॉस जा रहा है वाह तो हमारे पास साइन एक्स बाय कॉस एक्स बचा और भैया वो तो टेन एक्स होता है ठीक है जस्ट से खेल लिया और आंसर तक पहुँच गए आंसर आ गया है जी एल को उठाया था आर तक पहुँच गए मेरा एल एच के बराबर हो गया हैंड्स प्रूफ हो गया क्वेश्चन ठीक है क्लियर है क्या किया साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगाया वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगाया जो जा रहा था भैया जाने दिया उसको तो मेरे पास आंसर क्या आ गया जिसको आना था वो आ गया ठीक है, आई होप ये क्लियर है चलते हैं अगले सवाल पे थर्टी सेवन क्वेश्चन कहता है कि प्रूव करो भैया कि है। तो हमने कहा यार एक काम करते हैं एल एच एस को उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हमने उठाया लेफ्ट में मेरे पास है वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या लिखा है वन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मैंने तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया इसको उठा के जाना कहाँ तक है मुझे आर तक आर मतलब टेन एक्स बाई टू लाना है मैंने कहा ठीक है लेकर आ जाएंगे एक बात सुनो ये वन प्लस को थोड़ा सा रीअरेंज कर सकती हूँ मैं हाँ बिल्कुल कर सकते हो मैम क्या दिक्कत है टू प्लस थ्री प्लस फाइव लिखो या फाइव प्लस थ्री प्लस टू लिखो आना तो आंसर सेम ही है तो मैं वन प्लस साइन एक्स माइनस एक्स लिखूँ या फिर मैं इसको वन माइनस एक्स प्लस साइन एक्स लिखूँ कोई फ़र्क पड़ेगा क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है सिमिलरली डिनोमिनेटर में मैं वन प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स लिखूं या वन प्लस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्यों लिख रहे हो मैम अरे इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि अब यहाँ पे हमको आएगा मज़ा क्योंकि हमारे पास है बहुत सारे फॉर्मेलिज अब देख सकते हो जो हमें आंसर लेके आना है उसमें जो एंगल है वो हाफ में है मतलब डेफिनेटली पे प्रॉपर्टीज़ का खेल खेला गया होगा हम सब जानते हैं कि वॉट इज वन माइनस क्या होता है टू साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू किस किस को आता है ये फॉर्मूला वन माइनस कॉजेक्स क्या होता है टू साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या नहीं मैम अरे ध्यान से सोचो साइन टू एक्स का फॉर्मूला टू साइन एक्स एक्स है तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू तो यहाँ पे आप लिखोगे टू साइन एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई बेटा वन प्लस फॉर्मूला शाबाश टू कॉस स्क्वेर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स का अगेन आप फॉर्मूला लगा देंगे टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू ठीक है अब क्या करेंगे न्यूमिरेटर से टू साइन एक्स बाय टू कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर से टू कॉज एक्स बाय टू कॉमन ले लीजिए दो टर्म्स हैं न्यूमिनेटर में दो टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में एक टर्म ये है एक टर्म ये एक टर्म ये एक टर्म ये सो न्यूमिनेटर so, से हम टू साइन एक्स बाय टू कॉमन ले रहे हैं सो so, न्यूमिनेटर से हमने टू साइन एक्स बाय टू को लिया कॉमन तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे टू साइन एक्स बाय टू कॉमन लेने पर साइन एक्स बाई टू प्लस कॉज एक्स बाय टू साइन एक्स बाई टू प्लस कॉज एक्स बाई टू ठीक है जी डिवाइडेड बाय यहां पे क्या लिखा है बेटा टू कॉज एक्स बाई टू डिनिनेटर से कॉमन ले लो सो दिस इज टू कॉज एक्स बाई टू हमने डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया ठीक है टू कॉज एक्स बाई टू कॉमन लिया तो यहां पर क्या है कॉज एक्स बाई टू दिस इज कॉज एक्स बाई टू प्लस क्या लिखा है टू कॉज एक्स बाई टू कॉमन लिया तो कॉज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और ज़रा ध्यान से देखो ये दोनों ब्रैकेट तो सेम टू सेम है कैंसिल आउट टू से टू चला गया तो मेरे पास क्या ही बचा जी साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉज एक्स बाई टू एंड साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉज एक्स बाई टू दोनों के एंगल सेम है तो साइन बाय कॉज क्या होता है टेन सो दिस इज टेन एक्स बाई टू और यही हमारा आर एच एस था हमको यही लेकर आना था हेंड्स प्रूफ ठीक है एल हमारा आर के बराबर हो गया हैंड्स प्रूव हो गया तो हमने क्या किया बेटा फॉर्मुलेज के साथ खेला है वन माइनस कॉज एक्स में फॉर्मूला लगाया साइन एक्स में फॉर्मुला लगाया अब कभी भी अगर ऐसी एक्सप्रेशन दिखती है ए स्क्वायर प्लस ए बी तो बचपन में क्या करते थे जी ए कॉमन लेते थे ना तो उसी तरीके से मुझे टू साइन एस बाई टू प्लस टू साइन एस बाई टू कॉन्स एक्स बाई टी मैं टू साइन एक्स बाई टेटर से कॉमन ले लूंगी और इसी तरीके से डिनोमिनेटर से मैंने कॉमन लिया ये ब्रैकेट से उड़ गए टू एंड दिस इज इक्वल टू आर एच एस जो हमको प्रूव करना था प्रूव हो जाता है आपका ये सवाल ठीक है so सो आई होप कोई समस्या नहीं कोई तकलीफ नहीं कोई परेशानी नहीं चलेंगे क्वेश्चन थर्टी एट की तरफ आपके सामने क्वेश्चन थर्टी एट है आप जरा सॉल्व करने की कोशिश करो क्या

मुझे लेकर आना है कि कैसे भी करके टेन बाई पाई फोर माइनस एक्स आप ये देख रहे हो ये पाई पाई फोर कहां से होगा दूसरा फॉर्मूला होता है टू कॉस एक्स माइनस वन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है टेन के टर्म्स में क्या इन किसी भी फॉर्मूले में आपको कहीं पे भी पाई बाई फोर नाम की चीज दिखी नहीं दिखी ना चलो मान लो मैंने डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला लगा दिया साइन टू एक्स का टू साइन एक्स कॉस एक्स कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ ना कुछ करके प्लस माइनस करके कट शट अप कर दोगे लेकिन बच्चा ये पाई बाई फोर तो बहुत बड़ी समस्या है ये पाई बाई फोर कैसे आया होगा है ना आप कुछ भी कर लो यहाँ पे कॉस टू एक्स का कोई भी फॉर्मूला लगा दो ठीक है cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x, 1 minus 10 square x upon 1 plus 10 square x, कोई भी formula लगा दो, आपको pi by 4 तो नहीं मिलने वाला है, ना, नहीं मिलेगा, तो क्या करें मैम? बेटा आपको यहाँ पे खेलना पड़ेगा, ठीक है, एक question आपसे कह रहा है कि खेलो, ठीक है, क्या खेलेंगे हम यहाँ पे, हम खेलेंगे यहाँ पे ACTS से, हम जानते हैं कि tan क्या होता है, tan कैसे बनता है, tan बनता है sin cos से, हमारे क्वेश्चन में कॉज अपॉन साइन के फॉर्मेट में क्वेश्चन है लेट्स प्ले अ गेम और हमारा गेम कुछ ऐसा है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि इस कॉज टू एक्स को क्या मैं साइन पाई बाई टू माइनस टू एक्स लिख सकती हूँ बताओ किस किस को तकलीफ परेशानी हैरानी और बेचैनी होने लगी कि मैम क्या कर रहे हो रुको तो ज़रा अरे रुको भाई क्या कर रहे हो इस क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं ये क्या कर दिया मैम क्वेश्चन को बदल दिया आपने तो कॉस टू एक्स को साइन पाई बाई टू माइनस टू एक्स लिख दिया और नीचे वन तो ठीक है समझ में आ रहा है प्लस ठीक है समझ में आ रहा है साइन टू एक्स को कॉस पाइव बाई टू माइनस टू एक्स लिख दिया आपने मैम नहीं आया समझ में अरे बच्चे सुनो हम सब जानते हैं दिस इज ए सी टी एस और यहाँ पे आता है पाई बाई टू माइनस समथिंग मतलब भैया इस क्वाड्रेंट में गिरता है पाई बाई टू माइनस समथिंग मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पॉजिटिव होंगे तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव की कोई समस्या इससे हुई नहीं क्योंकि हमने पाई बाय टू माइनस यूज किया

तो मैंने यहाँ से आपको ये बता दिया कि ध्यान से देखो मैंने कॉस टू एक्स को साइन पाई बाई टू माइनस टू एक्स लिखा है कुछ गलत थोड़ी लिखा है दोनों एक ही चीज़ है दोनों एक ही चीज़ है मैं वन प्लस टू लिखूँ या टू प्लस वन लिखूँ होगा तो तीन ना मैं कॉस टू एक्स लिखूँ या साइन पाई बाई टू माइनस टू एक्स लिखूँ होगा तो कॉस टू एक्स इसी तरीके से मैंने डिनोमिनेटर में खेला मैंने साइन टू एक्स की जगह पे कॉस पाई बाई टू माइनस टू एक्स लिखा क्योंकि पाई बाय टू मतलब ट्रिग्नोमेट्री होगी चेंज कॉज बन जाएगा साइन एंड एंगल सेम एज इट इज कॉपी होगा एंड सेंस इट इज लाइंग इन फर्स्ट क्वार्रेन देव इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव तो कोई समस्या है नहीं ठीक है इसी से खेल लिया हमने ओके okay, मतलब हमको आंसर में लाना था पाई बाय फोर माइनस एक्स मैम कहीं ना कहीं पाई बाई टू तक तो लेकर आ गई है अब डेफिनेटली मैम पाई बाय फोर तक भी पहुंच जाएगी यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है ये पैटर्न का क्वेश्चन आता है पेपर में हाईली इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बोल रही हूँ आपने एनसीआर के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए वेल एंड गुड मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी मिस मत करना उसके बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री दिख रहा है दैट मीनस ये चैप्टर हाईली इंपॉर्टेंट है वराइटी ऑफ क्वेश्चन है जो हमको कवर करना है ये एक बड़ी सुंदर वेराइटी है इस क्वेश्चन में यहाँ तक सब ठीक है चलो तो ऐसा कभी हो जाए मतलब हमको कुछ ना कुछ तो खेलना है और हम खेलेंगे क्योंकि हम हम वाले क्या ही खेलेंगे ठीक है चलो अब ये ये बेटा बेसिकली आप आप इसको ना इस पूरे को पता है, ये पाई टु टु को पता पाई माइनस थीटा की नजर से देखो और यहाँ पे पाई क्या बनेगा टू साइन ठीठा बाई टू मतलब तो ये क्या है पाई स टू एक्स बाई टू ठीक है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू पाई बाई टू माइनस टू एक्स बाई टू ठीक है जी डिवाइडेड बाय ये वन प्लस कॉस थीटा है एंड वन प्लस कॉस थीटाइज टू कॉस स्क्वे थीटा बाई टू तो ये बनेगा टू कॉज थीटा बाई टू थीटा क्या है पाई बाई टू माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू ठीक है ये कुछ इस तरीके का बन गया यहाँ तक सब ठीक ऑल गुड फाइन ठीक है बेटा टू से टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको पहली फुर्सत में उड़ा दो आप लोग अब थोड़ा सा इस एंगल को अच्छा करते हैं अपन ठीक है सो so, ये क्या है दिस इज पाई माइनस फोर एक्स अपॉन टू अरे देखो ना ये क्या है पाई माइनस फोर एक्स अपॉन टू और ये वन बाई टू इंटू टू यहीं आएगा सो दिस इज पाई बाई फोर तो पाई बाई फोर माइनस फोर एक्स बाई फोर मतलब ये चला गया तो ये तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बन रहा है इसको सिंप्लीफाई करूंगी अगर मैं तो मैंने आपको बताया ये क्या बन रहा है ये तो बेटा पाई बाई फोर माइनस एक्स बन रहा है और ये भी तो वही है तो ये भी क्या बन रहा है पाई बाई फोर माइनस एक्स एल्सियम लोगे पाई माइनस फोर एक्स अपॉन टू इंटू वन बाई टू सो पाई माइनस फोर एक्स बाई फोर अलग अलग कर दो पाई बाई फोर माइनस फोर एक्स बाई फोर तो पाई बाई फोर माइनस एक्स तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है पाई बाई फोर माइनस एक्स चेक कर लो एक बार टू एक्स ही था यहाँ पे हम्म सो ये भी क्या बन रहा है पाई बाई फोर माइनस एक्स बन रहा है शाबाश बहुत अच्छी बात है आप देख रहे हो एंगल था पाई बाई फोर माइनस एक्स आप लाने में सक्सेसफुल हो गए हो अब आप देखिए a cos pi बाई फोर माइनस एक्स से a cos pi बाई फोर माइनस एक्स चला जाएगा दोनों के एंगल सेम है sin बाई cos टेन होता है दोनों के एंगल सेम है तो ये बन जाएगा टेन pi by 4 minus x and this is equal to our RHS और बेटा ये हो गया hands proof ठीक है ये लेकर आना था शानदार क्वेश्चन है महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आ सकता है लगा लो पांच छह स्टार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो कैसे खेला आई होप आपको खेलना समझ में आ गया है इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो मैं स्टार्टिंग में बहुत फॉर्मुले है मुझे सारे फॉर्मुलेज याद है बहुत मेहनत से मैम ने याद करवाए थे लेकिन अगर मैं फॉर्मुले स्टार्टिंग में लगा दू ना तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि मुझे पता है ये पाई बाई फोर कहाँ से आएगा पाई बाय फोर लाना पड़ेगा मुझे तो पाई बाय फोर लाने के लिए मैंने पाई बाई टू का इंट्रोडक्शन करा दिया क्योंकि कॉज टू एक्स तो भैया साइन पाई बाई टू माइनस टू एक्स के बराबर होता है क्योंकि पाई बाई टू मतलब ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगी साइन बनेगा कॉज फर्स्ट क्वार है तो पॉजिटिव तो cos 2x को मैंने sin π 2 2x लिख दिया सेम इसी तरीके से मैंने डिनोमिनेटर में भी खेल लिया थोड़ा सा ठीक है मैंने कहा जब न्यूमिनेटर में खेल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी खेल लेते हैं तो sin 2x को मैंने cos π 2 2x फिर भैया इसको ठीटा की नजर से देखो sin ठीटा टू साइन ठीटा बास ठीटा टू वन प्लस कॉस ठीटा इस टू कॉटा बाई टू दैस थोड़ा कैलकुलेशन किया जो जा रहा था उसको जाने दिया दोनों के एंगल सेम है sin cos कॉस तो tan π 4 x और यही हमको लेकर आना था हैंड्स प्रूफ ठीक है, so, I hope ये question clear है, है, है ये चलते हैं अगले सवाल सवाल पे, पे बहुत आपका जीरो से बड़ा है और पाई 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 एट से छोटा है, है, हमने कहा ठीक एक बार अपने LHS को उठा लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम टू कॉज एक्स तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है एल में हमारे पास है अंडर रूट सो अंडर रूट के अंदर लिखा है टू प्लस अगेन अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस टू कॉस एट एक्स ऐसा देख के सोचना नहीं है मम इतने सॉरे अंडर रूट कोई वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है एक दो तीन ही अंडर रूट है सो अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस टू कॉस एट एक्स ये मेरे पास है इस क्वेश्चन में ठीक है जी तो अब हम क्या करने वाले बेटा अब सुनो आप हम शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन को इस वाले रूट से सॉल्व करने के लिए ठीक है स्टार्टिंग में तो हम जाके कुछ कर भी नहीं सकते तो हम सबसे पहले इसके पास आएंगे तो क्या कर सकती हूँ मैं इसके पास आके यहाँ पे क्या हो सकता है आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर ए प्लस ए सी लिखा है तो आपका दिमाग क्या कहता है करने के लिए कि ए को कॉमन ले लो ए को कॉमन लोगे तो ये वन प्लस सी बनेगा ऐसा ही होता है ना तो इसी तरीके से इस वाले रूट में आपको क्या दिख रहा है टू प्लस टू कॉज ए ट्स तो आपका दिमाग क्या कहेगा कि दो टर्म्स हैं टू दोनों के पास है कॉमन ले लो तो आप यहाँ पे टू को कॉमन लोगे ठीक है जो बचपन में मैथ्स पढ़ा है ना वो ही आपको आगे हेल्प करता है तो ऐसे स्ट्रेस मत लिया करो आ जाओ सो दिस इज अंडर रूट बड़ा वाला अंडर रूट ठीक है इसके अंदर लिखा है टू प्लस फिर से एक और अंडर रूट क्या लिखा है बेटा टू प्लस फिर से एक और अंडर रूट इन दोनों में से हमने टू को कॉमन ले लिया दिस इज वन प्लस कॉज एट एक्स यहाँ तक सारी चीजें ठीक है

तो भैया वन प्लस कॉज एट एक्स क्या होगा टू कॉज स्क्वायर फोर एक्स क्योंकि सेम टू सेम डिजाइन है वन प्लस कॉज एट एक्स वन प्लस कॉज टू एक्स तो जब वन प्लस कॉस टू एक्स टू कॉ स्क्र एक्स है इस एंगल का हाफ यहाँ पे आता है तो वन प्लस कॉज एट एक्स क्या होगा टू कॉज स्क्वायेर एट एक्स का हाफ दैट इज फोर एक्स ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे अंडर रूट दिस इज टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट 2 एंड 1 plus cos 8x इज 2 cos स्क्वायर 4x ठीक है ये इस फॉर्मूले से आया क्योंकि हम जानते हैं 1 plus cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है तो 1 plus cos 8x क्या होगा 2 cos स्क्वायर 4x जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल आता है ठीक है अब ये 2 टू 2 क्या हो जाएगा जी 2 टू 2 तो 4 हो जाएगा ठीक है अब यहां पे इसे मैं अंडर रूट से बाहर ला सकती हूं तो जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा 4 है ना इस अंडर रूट से जब चार बाहर आएगा तो बाहर क्या आएगा टू के रूप में आएगा बाहर सो so, ये तो टू के रूप में बाहर आ गया ठीक है कॉस स्क्वेयर फोर एक्स जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो कॉस फोर एक्स के रूप में बाहर आएगा सो दिस इज़ टू कॉस फोर एक्स इस तरीके से बन जाएगा और एक्स इन्ह ने बोला ही है कि भैया पॉजिटिव ही रहने वाला है क्योंकि ज़ीरो से फाइव बाई एट के बीच में है ठीक है तो सब पॉजिटिव ही होगा तो इसलिए हमने आसानी से रूट से बाहर इसको निकाल लिया ठीक है क्लियर है सबको ऐसा काम हो गया यहाँ पे अब अगेन आप देख रहे हो a ac तो a को कॉमन लेते हो सो 2 2 cos 4x इसका मतलब इन दोनों टर्म्स में से बेटा आप 2 को ले लेंगे बाहर कॉमन तो ये बनेगा 1 cos 4x कैसा लिखा था ये ये 2 2 cos 4x लिखा था मैंने आपसे कहा कि सुनो ये बाहर वाला 2 प्लस तो एज इट इज यहाँ पे ये अंडर रूट है ठीक है इन दोनों में से हम टू कॉमन लेके इसे वन प्लस कॉस फोर एक्स लिख सकते हैं इस बात में किस किस को समस्या है शंका है परेशानी है हैरानी है सबसे ये टू हमने कॉमन ले लिया तो वन प्लस कॉस फोर एक्स बन गया ठीक है बेटा वन प्लस कॉस टू एक्स जब टू कॉस स्क्वायर एक्स है तो वन प्लस कॉस फोर एक्स क्या होगा जो भी एंगल है उसका हाफ डिजाइन बिल्कुल फॉर्मूले जैसी है सो so दिस इज गोइंग टू बी टू कॉस स्क्वा टू एक्स क्योंकि चार एक्स का हाफ क्या होगा टू एक्स होगा जब टू एक्स था तो एक्स हो गया चार एक्स से तो क्या होगा टू एक्स हो जाएगा सो वन प्लस कॉस फोर एक्स क्या बनेगा बेटा वन प्लस कॉस फोर एक्स बनेगा टू कॉस स्क्वेयेर टू एक्स आई होप यहाँ तक सब ठीक है चेक कर लो एक बार आप लोग ठीक है सो टू इंटू टू क्या हो जाएगा टू इंटू टू फोर हो जाएगा अगेन रूट से बाहर निकाल सकते हैं एक्स तो पॉजिटिव ही आएगा इस केस में राइट तो रूट से बाहर चार को निकालेंगे तो ये टू आ जाएगा और कॉस स्क्वेयर टू एक्स को निकालेंगे तो भैया ये टू कॉस टू एक्स हो जाएगा ठीक है अब इन दोनों में से टू कॉमन ले लो आप तो जब इन दोनों में से मैं टू को कॉमन लूंगी तो ये वन प्लस कॉस टू एक्स बनेगा दोनों के पास टू था टू हमने कॉमन ले लिया बेटा वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स तो ये क्या बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स तो दिस इज टू कॉस स्क्वायेर एक्स ठीक है एंड टू टूजा क्या होता है जी टू टूजा तो चार होता है सो अंडर रूट फोर कॉस स्क्वायर एक्स है तो जब चार अंडर रूट से बाहर आएगा सो दिस इज ट्रू एंड कॉस स्क्वायर एक्स क्योंकि मेरा एक्स पॉजिटिव ही है तो कॉसक्वायर एक्स जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा कॉस एक्स एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमको यही लेकर आना था सो एल एच एस हमारा आर एच एस के बराबर हो गया कितने मज़ेदार तरीके से हमने रूट के साथ खेला और हमारा आंसर आ गया ठीक है क्लियर है सबको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है तो हिंट यहाँ पे बेटा यही है कि जब भी एक्सप्रेशन आपको ऐसी मिले ना ए प्लस ए सी टाइप की दोनों में कुछ कॉमन है यार आप तो कॉमन लो और इस फॉर्मूले के साथ खेल जाओ ठीक है काम हो जाएगा क्योंकि एक्स की रेंज ऐसी है मतलब ये सब पॉजिटिव भी होंगे तो रूट से बाहर पॉजिटिव के फॉर्मेट में आ जाएंगे ठीक है क्लियर है सबको ओके okay जी वन प्लस कॉस टू एक्स क्या है टू कॉस स्क्वायर एक्स है तो वन प्लस कॉज एट एक्स क्या होगा टू कॉस्क्वायेयर फोर एक्स होगा वन प्लस कॉज फोर एक्स क्या होगा टू कॉस्क्वायर टू एक्स होगा जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल बस यहाँ पे आ जाता है दैट्स इट इतनी सी बात है ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसका स्क्रीन लो अच्छे से समझो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके दोबारा से सुन लेना इट्स हाईली इंपॉर्टेंट ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चालीस की तरफ क्वेश्चन चालीस कहता है बेटा प्रूव कर दोन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस फाइव एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स हमने कहा ठीक है तो सबसे पहले एल एच एस को उठा लेते हैं सो एल एच एस में क्या है आपके पास एल एच एस में आपके पास है साइन फाइव एक्स माइनस टू साइन थ्री एक्स प्लस साइन एक्स ठीक है डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय क्या लिखा है डिवाइडेड बाय है कॉस फाइव एक्स माइनस कॉस एक्स ठीक है हमको ये किसके बराबर लेकर आना है टेन एक्स के बराबर लेकर आना है मैंने एल को उठा लिया मैंने कहा सुनो भैया ये टू साइन थ्री है थोड़ा समस्या कर रहा है अभी यहाँ पे है ना क्योंकि तो अगर मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करके इसको यहाँ कर दूँ मतलब चीजों को अरेंज कर दूँ देन आई हैव अ फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी और नीचे कॉस्ट सी माइनस कॉस डी दिख रहा है राइट ये 2 sin 3x समस्या तो टू साइन थ्री एक्स भैया है साथ में लिखा साइन एक्स ठीक है जी ये क्या लिखा है माइनस टू साइन थ्री एक्स कोई परेशानी तो नहीं सब ठीक है ना और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा कॉस फाइफ एक्स माइनस कॉस एक्स चेक कर लो एक बार जल्दी से चेक कर लो साइन फाइव एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाय कॉस फाइव एक्स माइनस कॉस एक्स ठीक है हमने इसको कुछ इस तरीके का बना लिया ऑल गुड मैंने क्यों शिफ्ट किया क्योंकि मुझे दिख रहा है यार इनका पेयरिंग करके मैं यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा सकती हूं लेकिन मैं अगर इन दोनों की पेयरिंग करती तो मैं साइन सी माइनस साइन डी नहीं लगा पाती क्योंकि साइंस माइनस साइन डी फार्मूला है साइंस माइनस टू साइन डी फॉर्मूला नहीं है तो ये समस्या थी समस्या को दूर कर दिया और इसका जो है वो सल्यून पे लिख दिया मैंने ठीक है तो क्या किया साइन फाइव एक्स प्लस साइन एक्स को साथ में लिखा टू साइन थ्री एस को कहा तुम अभी तुम तो शांति से बैठो कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे भी एंड दिस इज कॉस फाइव एक्स माइनस कॉस एक्स ठीक है, ऑल गुड अब मैं न्यूमिनेटर में इधर लगाने जा रही हूँ साइनस साइन डी का फॉर्मूला और डिनोमिनेटर में यहां लगाने जा रही हूं, cos C minus cos D का ठीक है, इनको शांत बिठाते हैं, कुछ ना कुछ ना कॉमन होकर डेफिनेटली कैंसिल आउट होगा ठीक है ओके तो साइंस प्लस साइन डी का फॉर्मूला किसको याद है साइंस प्लस साइन डी का फॉर्मुला मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ सो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू माइनस टू साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई बेटा यहां पर कॉसी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉसी माइनस कॉस टी हम्म माइनस टू साइन माइनस टू साइन फाइव एक्स माइनस एक्स बाई टू

नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आई होप कि आपको फार्मूला याद है और आप समझ गए मैंने क्या किया यहाँ पे जस्ट साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे सो दिस इज इक्वल टू टू साइन फाइव एक्स प्लस एक्स सिक्स एक्स अपॉन टू दैट इज इक्वल टू थ्री एक्स सो दिस इज टू साइन थ्री एक्स आगे चलो फाइव एक्स माइनस एक्स फोर एक्स फोर एक्स अपॉन टू टू एक्स तो दिस इज कॉस टू एक्स माइनस टू साइन थ्री एक्स एज इट इज मैंने कहा था ना कुछ ना कुछ हो जाएगा इसको कहा था यहाँ पे शांति से बैठने के लिए राइट ये शांति से बैठा और अब आप देखो टू साइन थ्री एक्स कॉमन लेके कुछ ना कुछ हो जाएगा ठीक है चलो तो अब यहाँ पे क्या है फाइव एक्स प्लस एक्स सिक्स एक्स बाई टू दैट इज इक्वल टू थ्री एक्स तो यहाँ पे मिलेगा माइनस टू साइन थ्री एक्स देख रहे हो माइनस टू साइन थ्री एक्स ठीक है और ये क्या है बेटा साइन फाइव एक्स माइनस एक्स फाइव एक्स माइनस एक्स फोर एक्स फोर एक्स अपॉन टू मतलब अच्छा है बहुत अच्छा है, numerator से 2 sin 3X बाहर ले लो, so numerator से हमने 2 sin 3X को बाहर लिया तो so यहाँ पे हमारे पास आता है कॉस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या लिखा है बेटा नीचे माइनस टू साइन थ्री एक्स साइन टू एक्स ठीक है ओके टू साइन थ्री एक्स से टू साइन थ्री एक्स जा रहा है और ये नेगेटिव हमारे पास इधर है तो इस नेगेटिव को ऊपर शिफ्ट करा दें क्या है ना ऊपर शिफ्ट करा देते हैं तो नेगेटिव को ऊपर शिफ्ट कराएंगे तो ये वन माइनस कॉस्ट टू एक्स बनेगा और नीचे लिखा है साइन टू एक्स लेकर के आना है हमको हमको लाना है टेन एक्स हमने कहा ठीक है कोई समस्या नहीं है

साइन स्क्वायर स्क्स से एक साइन एक्स चला गया तो ऊपर साइन एक्स अपन कॉज एक्स बचा एंड दैट इज इक्वल टू टेन एक्स और यही हमारा आर एच एस है तो एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया हैंड्स प्रूफ हो गया वेरी सिंपल क्वेश्चन ठीक है क्लियर है यहाँ पे हमने क्यू टू साइन थ्री एक्स को शिफ्ट कराया था क्योंकि बेटा साइन सी माइनस Two d, ऐसा फॉर्मुला नहीं होता या तो sin C sin d होता है तो sin C plus sin d होता है 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 मैंने कहा तुम तुम थोड़ा थोड़ा हो जाओ थोड़ा जाओ आगे आ ठीक है, उसको शिफ्ट करा है, लेकिन बाद में देखो लेके वो उड़ गया है ना तो यहाँ पे साइनसी प्लस साइन डी और डिनोमिनेटर तो एकदम नॉर्मल था कॉस्सी माइनस कॉस्ट डी लगाना था तो साइन सी प्लस साइन डी का d का फॉर्मुला वो वहां पे बैठा हुआ है फॉर्मुला टू साइन थ्री एक्स कॉमन ले लिया सो दिस इज कॉस टू एक्स माइनस वन टू साइन थ्री एक्स और साइन टू एक्स ये कैंसिल आउट नेगेटिव को ऊपर शिफ्ट किया वन माइनस कॉस टू एक्स का होता है टू साइन स्क्वायर एक्स और साइन टू एक्स का फॉर्मुला लगा दिया टू साइन एक्स कॉस एक्स जो कैंसिल हो रहे थे उन्हें कैंसिल किया इस इक्वल टू टेन एक्स आ गया और यही हमको लेकर आना था ठीक है इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग फटाख सीधे फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है चलो आगे चलते हैं तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना था फ्रॉम चैप्टर नंबर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनको हमने डिस्कस कर लिया है सो so, एक छोटी सी एडवाइस रहेगी बस अच्छे तरीके से फॉर्मुलेस को याद कर लीजिए ए सी टी एस मैथड अपनी कमांड बहुत अच्छी बना लीजिए इसके साथ स्टूडेंट्स अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाती है तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है आप वेबसाइट पर जाइए अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए आपको उस पर्टिकुलर क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को जाकर सिलेक्ट कर लो देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे कर दीजिए क्लिक और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ